नमस्कार, मसाला महक में आपका स्वागत है। मैं आज पनीर पराठा बनाने जा रही हूँ, जो कि काफ़ी हेल्दी भी होता है, तो आप भी बनाएं। चलिए अब मैं पराठा बनाने के प्रोसेस में चलती हूँ। तो ये पनीर, धनिया की पत्ती, आटा, कड़ो, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, प्याज, हरी मिर्च और बटर। तो मैं ये पहले पनीर को कद्दूकस कर लेती हूँ। तो पनीर मेरा कद्दूकस हो गया, तो मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल रही हूँ, प्याज, फिर ये हरी मिर्च, अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्च डालिए, बच्चे के लिए बना रहे तो मिर्च ना डालें, ये चिली फ्लेक्स, और ये चाट मसाला। तो चाट मसाला में नमक है, तो नमक कम डालेंगे, ये गरम मसाला हाफ चम्मच, ये नमक, नमक कम डालें क्योंकि चाट मसाला में भी नमक था, और एक कप आटे का मैं डो लगा ली हूँ 10 मिनट पहले, सॉफ्ट डो तैयार की हूँ। अब इसमें मैं पनीर का स्टफिंग कर रही हूँ। पनीर अच्छे से डालें ताकि टेस्ट अच्छा आए, पनीर का टेस्ट आए। फिर इस तरह इसको सील करें। फिर मैं इसमें आटा लगा के हाथ से पहले फैलाऊंगी, धीरे धीरे करके मैं फैला रही हूँ ताकि पनीर भी चारों तरफ फैल जाए आटे में। बीच बीच में आटा का भी मैं आटा भी छिड़क रही हूँ ताकि सटे नहीं, बेलन में और चौकी में सटे नहीं। फिर मैं बेलन की हेल्प से हल्के हाथों से मैं फैला रही हूँ। देखिए, फिर एक्स्ट्रा आटा को मैं निकाल दी हूँ। तो अब मैं फिर दूसरा लोई लूँ, इस लोई में भी मैं स्टफिंग करूँगी उसी तरह, सेम प्रोसेस से। देखिए, फिर मैं अच्छे से इसको दोनों हाथों से बंद करूँगी, अच्छे से सील कर दूँगी ताकि पनीर निकले नहीं बाहर। इसको मैं उसी तरह हाथ के हेल्प से फैला रही हूँ। पहले हाथ के हेल्प से ही फैलाएं, फिर बेलन से बेलें। देखिए, अब बस थोड़ा ही बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना है, हाथ से ही काफ़ी फैल गया है। देखिए, पनीर मेरा पराठा बेल के रेडी हो गया है। फिर मैं इसको झाड़ दी हूँ। तवा मेरा गर्म हो गया, तो मैं उस पर पराठा डाल दी। फिर उसको मैं पलट दी हूँ, एक तरफ सीख गया, तो फिर मैं बटर डाल दी हूँ, घी या रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो फिर मैं अब उलट पलट के अच्छे से सुनहरा होने तक इसको सेक लूँगी। इस पनीर पराठे को आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं और किसी अचार के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है पनीर पराठा, बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो फिर देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, देखिए कितना अच्छा से सीख गया है, कलर भी अच्छा आ गया है। तो मैं ये दूसरा पराठा भी सेक लूँगी इसी तरह, नीचे से थोड़ा सीख जाएगा। तो फिर मैं उसको पलट दूँगी, तो
देखिए मेरा सीख गया तो मैं पलटती हूँ। अब फिर मैं बटर डाल के उसको अच्छे से सेक लूँगी। देख सकते हैं दोनों तरफ से बटर डाल के सेक लेना है। बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले। धन्यवाद।